न्यूरालिंक का नया अपडेट। जी हाँ दोस्तों, अब माउस चलेगा सोच से। एलन मस्क की न्यूरालिंक ने बड़ा अचीवमेंट किया है जब उनका पहला ह्यूमन रिसिप्ट उनके ब्रेन चिप के साथ एक कंप्यूटर माउस को अपने थॉट से चला रहा है। एक्स स्पेसिस इवेंट में मस्क ने बताया कि पेशेंट ने जनवरी के प्रोसीजर के बाद पूरा रिकवर कर लिया है। बताया चले कि न्यूरालिंक की सर्जिकल रोबोट की मदद से की गई सर्जरी में नए स्टेज मार्क किए गए हैं। अब कंप्यूटर को डायरेक्टली कनेक्ट करने में पेशेंट एक कंप्यूटर को सिर्फ अपने थॉट से कंट्रोल कर रहा है और कंपनी को भी साइड इफेक्ट नहीं दिख रहा है अभी तक इसका कोई भी। न्यूरालिंक अब सिर्फ दो बटन से बाहर जाना चाहता है ताकि यूजर्स को भी कॉम्प्लेक्स एक्शन करने में मदद मिले। न्यूरालिंक की आने वाली दिशा जो है कुछ अब बदल रही है। न्यूरालिंक अभी टेस्टिंग स्टेज में है और फोकस है फंक्शन रिस्टोर करने पर, जैसे पैरालिसिस या विजन इम्पेयरमेंट्स वाले लोगों के लिए। मस्क को विजन है प्रोडक्ट जैसे टेलीपैथी जिसमें यूजर्स अपने थॉट से डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूरालिंक फ्यूचर में मेमोरी और इंटेलिजेंस को इन्हेंस करने का विजन रखता है और वाइड स्प्रेड डेवलपमेंट भी करना चाहता है सालों साल में। न्यूरालिंक का ये ब्रेकिंग थ्रू ह्यूमन दिखता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के फ्यूचर कितना एक्साइटिंग है।